हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द गीकी फाइड। एंड एज यू नो, गूगल ने अपने इवेंट में इस बार पिक्सल 9 के फ़ोन्स की सीरीज़ को तो लॉन्च किया ही है, साथ में उन्होंने लॉन्च किया है पिक्सल बड्स प्रो एंड द पिक्सल वॉच 3 ऑल्सो। पिक्सल 9 की जो सीरीज़ है, दिस टाइम दे हैव क्रिएटेड सम काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग दैट वॉज टोटली डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द पिक्सल 8 सीरीज़। और ये जो है न्यू लुक के साथ आता है। कैमरा ही आप देख लीजिए, जो कैमरा ही है वही थोड़ा अलग है, और जो बॉक्सी डिज़ाइन है ये आपके हाथ में कंफर्टेबली फिट हो, इस पर्पज़ से बनाया गया है। ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी ये फ़ोन पिक्सल 8 की सीरीज़ से काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, ये देखने में भी लगता है, और इन हैंड फीलिंग तो होगी ही। इस बार इन्होंने एक अलग सी चीज़ ट्राई की है। जो प्रो सीरीज़ है वो दो साइजेस में आते हैं, एक है पिक्सल 9 प्रो जिसका डिस्प्ले 6.3 इंचेस का है, और दूसरा है पिक्सल 9 प्रो XL जो कि 6.8 इंचेस का है। इनमें स्पेक्स को लेके कोई डिफरेंस नहीं है, बट द ओनली डिफरेंस इज देयर स्क्रीन साइजेस। एज कुछ लोगों को बड़े फ़ोन ज़्यादा इतने पसंद नहीं आते, सो 6.3 इंचेस इज़ द स्वीट स्पॉट। डिस्प्ले ये एक्चुअल डिस्प्ले यूज़ करते हैं, जो इन्होंने टर्मिनोलॉजी दी है, दैट इज़ वेरी ब्राइट एंड 35% ब्राइटर देन द पिक्सल 8। और जो इसका डिस्प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा स्टर्निंग है। अल्ट्रा वाइड कैमरे में भी बहुत बड़ा अपग्रेडेशन है, इस बार 12 मेगापिक्सल की तरह जो कि 8 सीरीज़ में था, नाउ दे आर हैविंग द 48 मेगापिक्सल। फ्रंट कैमरा तो इनका अच्छा था ही, बट इस बार फ्रंट कैमरा इनका और ज़्यादा शार्प इमेज कैप्चर कर सकता है बिकॉज ऑफ देयर इंक्रीज्ड एंड एडवांस्ड एल्गोरिथम। आपने देखा होगा इस बार इन लोगों ने सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे जोर किया है तो वो है इनका न्यू AI मॉडल, जो कि ऑन डिवाइस AI मॉडल है, जिसे कहते हैं जेमिनाई। पिक्सल 9 सीरीज़ में G4 टेंसर चिपसेट का यूज़ किया गया है, जो AI को और एनहांस करता है और लैग्स वगैरह नहीं आने देता है। ब्राउजिंग और ऐप को ओपन और क्लोज करने में तो ये काम आता ही है। इसके AI फीचर्स की बदौलत पिक्सल की जो 9 सीरीज़ है, आप को ये अंडरस्टैंड करता है, लाइक द टेक्स्ट यू आर टेक्सटिंग, द इमेजेस एंड द ऑडियो, कि ये है किस बारे में। सो एक तरह से ये मशीन लर्निंग का काम करता है। रैम की बात करें तो 12 GB ऑफ रैम फॉर पिक्सल 9 एंड द 16 GB ऑफ रैम फॉर पिक्सल 9 प्रो एंड 9 प्रो XL। जेमिनाई लाइव करके एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम है जो इन्होंने लॉन्च किया है, जो कि पिक्सल 9 प्रो XL और पिक्सल 9 में आपको कुछ टाइम के लिए तो फ्री में मिलेगा, बट दे आर आई थिंक विल चार्ज समथिंग आफ्टर दैट। अ काइंड ऑफ फ्री फ्लो कन्वर्सेशन है, जैसा कि हम एक दूसरे से बात करते हैं उस तरह की कैपेबिलिटीज़ के साथ आता है। इन्होंने एक इमेज जनरेटर भी डेवलप किया है जिसे पिक्सल स्टूडियो कहा जाता है। इसमें आप जो भी कमांड देंगे, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी के साथ आपकी इमेजेस को जनरेट करके दिखाएगा। स्क्रीनशॉट्स को इन्होंने इंटीग्रेट किया है विद AI बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि स्क्रीनशॉट है किस बारे में। अगर आप कोई सब्जेक्ट टाइप करोगे तो दे विल शो द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइप इटसेल्फ। अगर आप शूज़ टाइप करोगे तो अपने स्क्रीनशॉट्स में जो भी शूज़ की फ़ोटोज़ ली होंगी वो आपको दिखाएगा। एंड दिस इज़ गोइंग लाइक जो भी सब्जेक्ट है, अगर उससे रिलेटेड स्क्रीनशॉट है आपके फ़ोन में तो ये आपको दिखाएगा। रिक्रिएटेड वेदर ऐप भी है इस बार इनका, जो वेदर ऐप है वो भी अच्छी तरह से दूसरी तरह का बनाया गया है। काफ़ी अच्छा इंटीग्रेशन है, मुझे देखने में खूबसूरत लगा। इस बार जो हम गूगल पे वेदर यूज़ करते हैं उसके अलावा थोड़ा ज़्यादा एनहांस किया गया है, स्लाइटली एनिमेटेड। एंड यस, इनके वेदर ऐप तो एक्यूरेट होते ही हैं। ऐड मी फीचर्स के साथ आप कैमरे में किसी दूसरे को भी ऐड कर सकते हैं। ये कैमरा तो एनहांस हर साल करते रहते हैं, बट दिस टाइम दे हैव एनहांस द फीचर इटसेल्फ बाय यूजिंग ऐड मी। यू विल गेट अ फोटो इवन विथ एवरीवन हु वाज देयर, और आप उसे बाद में इंक्लूड कर सकते हैं, जो बहुत बढ़िया बात है। और शायद ये हर एक पिक्सल फ़ोन्स में अब से आएगा 9 एंड ऑनवर्ड्स। पता नहीं है पुराने पिक्सल्स में ये फीचर्स आ पाएगा कि नहीं, आई डोंट नो इट इज़ हार्डवेयर बेस्ड और सॉफ्टवेयर बेस्ड, बट इट इज़ वेरी गुड। इस बार इन्होंने पैरानॉर्मल शॉट को भी काफ़ी अच्छे से दिखाया। दे हैव कंपेयर्ड द पैनोरामा शॉट विद आईफोन एंड यस, इट इज़ स्टनिंग। इनके जो प्राइजेस हैं पिक्सल के फ़ोन्स की सीरीज़ की, ये स्टार्ट होते हैं 799, 999, 1099, और जो पिक्सल फोल्ड है वो आपको $1800 का मिलेगा। जो इन्होंने पिक्सल फोल्ड है इस बार, इसके लिए कोई अलग से इवेंट नहीं रखा, इन्होंने साथ में ही इसे लॉन्च कर दिया। सो इट इज़ कॉल्ड एज अ पिक्सल प्रो फोल्ड, और ये पिछले वाले पिक्सल से काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल भी है लेकिन थिन भी है, और वो डिस्प्ले 8 इंच का है। इस बार सेम AI इंटीग्रेशन की गई है इसके अंदर एज इट वाज इन ऑल द पिक्सल 9 सीरीज़, और इसका कैमरा काफ़ी ज़्यादा एनहांस किया गया है। यू आर गेटिंग अ वेरी गुड कैमरा फीचर्स एज इट इज़ अ पिक्सल फ़ोन। पिक्सल्स तो अपने कैमरा के लिए यूँ ही जाना जाता है। और इसके साथ साथ इन्होंने पिक्सल वॉच 3 भी लॉन्च की है, जो पिछली बार से ज़्यादा अच्छा है। इसकी बैटरी भी एनहांस की गई है। डिस्प्ले साइज़ भी इस बार 2 है, जो बड़ा वाला है 45 mm का है। एंड ऑब्वियसली पिक्सल वॉच अपने पिक्सल फ़ोन के साथ अच्छे से सिंक्रोनाइज होता है। बड्स 3 लॉन्च किए हैं जिसके अंदर इंटीग्रेटेड जेमिनाई है और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एनहांस्ड हैं। सो आई थिंक ये एक अलग से जंप लिया है पिक्सल 9 की सीरीज़ ने। आई थिंक आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और अगर आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए सब्जेक्ट के साथ। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। जय हिंद, बाय बाय।